अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। जेल, कौन नहीं जानता इस लफ्ज को। जेल यानी कारावास, एक ऐसी जगह, एक ऐसा घर जहां मुजरिमों को लाया जाता है और उन्हें समाज से दूर रखकर सुधारने की कोशिश की जाती है। जेल मतलब एक ऐसा अंधेरा जहां जिंदगी बिखरती, टूटती और फिर जुड़ती है। जिन्होंने कोई गुनाह किया हो और समाज में रहने के काबिल ना हो, उन्हें यहाँ लाया जाता है, सिखाया जाता है समाज के कायदे कानून क्या होते हैं। वैसे तो प्राचीन काल में भी जेल हुआ करती थी, मगर शायद उस वक्त इन जेलों का मकसद कुछ और था। मगर आजकल इस कलयुग में जेलों का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब जेल में कैदी क्या सुधेंगे, क्योंकि उन्हें सुधारने वाला ही कोई नहीं है। आज हमारी जेलों का रंग ढंग इतना नशीला है, जितने गैर कानूनी धंधे जेल के अंदर या जेल की आड़ में होते हैं उतने तो शायद जेल के बाहर भी नहीं होते। जी एक ऐसी जगह है। एक से तरह। ओ, मैडम आप कैसी हैं आप? कब? कहाँ? अरे तो समझे मैडम कि आपका काम हो गया। हाँ हाँ, अरे मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ हो जाएगा। कितनी? हाँ हाँ ठीक है, जय माता दी। आरो आरो, अरे काम आ गया। चल जी रानी साहिबा। रानी साहिबा, कितना अच्छा लगता जब मैं इसके मुंह से सुनती हूँ रानी साहिबा। अरे कुछ नहीं तो कुछ तमीजी सीख लो इससे। आरो जी, समझा रहे ने, अगर मेरी जेल में रहना चाहती हैं और वो भी खुशी खुशी रहना चाहती है तो बस रानी साहिबा को खुश रखें। जी रानी साहिबा, जेल में नई नई आई है ना लड़कियाँ, यहाँ के तौर तरीके मालूम नहीं है ना, समझा देती हूँ। समझा देते, जोर से दबा। जी रानी साहिबा, आपने मुझे बुलाया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पारो छह लड़कियों को अच्छी तरह तैयार कर दे, उन्हें बाहर जाना है। जेल में जो तीन नई लड़कियाँ आई है ना, वो कुछ ज्यादा नखरे दिखा रही है, उन्हें कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो सिखाना सबक। ये मौसी है ना, मौसी ये किस दिन काम आएगी। मौसी लड़कियों को अंदर ले जाके समझा दे, ज्यादा नखरा ना करे। अगर कोई नखरा करे जी, तो पूरा का पूरा डंडा। समझ गई ना, जब चीखेगी ना तब समझेगी। अरे इससे अच्छा तो धंधा ही कर लेते। जा रहा जिया, तू भी जा। जी घर की तरफ। अरे वाह, ये क्या लगा रखा है, जब देखो धुआं छुटती रहती हो। जुए का अड्डा समझ रखा है क्या? चल जा, इंटरव्यू उतारने का टाइम आ गया है, खा खा के सांड होती जा रही है। चल जल्दी तैयार हो जा धुलाई खाने के लिए। तू क्या यहाँ आराम से बैठ कर धुआं छोड़ रही है क्या? सिनेमा हॉल समझ रखा है क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरा भी बुलावा आया है। ए अलूट जल्दी कर। राम सिंह जी, मैडम तुम उन सबको वहीं रोक, इसको लेके अंदर आओ। ओके जी। तुम लोग यहीं ठहरो, तू चल मेरे साथ। हेलो मैडम। आइए आइए, वेलकम। मैं बहुत देर से आप ही का इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी मैडम, आने में जरा देर हो गई। आपको पता आजकल जेल की क्या हालत है, इन लड़कियों को डंडे के जोर पे रखना पड़ता है, बस इसी चक्कर में जरा लेट हो गई। कोई बात नहीं, आप और मैं कुछ जरूरी बातें करते हैं, इन लोगों को यहीं पर बैठने दीजिए और आप और हम जरा अंदर चलकर बातें करते हैं। सुनो तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। जी मैडम। वो क्या? ये लीजिए। ये है क्या? इसे हमारे जुबान में व्हाइट मनी कहते हैं, वैसे इसका असली नाम कोकीन है। हाँ कोकीन, ये सोने से भी ज्यादा महंगी है। और इसकी कीमत का अंदाजा है आपको? कितने की होगी और आपके पास कहाँ से? आप आम खाइए मल्लिका जी, पेड़ मत गिनिए। इन पैकेटों की कीमत 30 से 40 लाख रुपए है, और ये पैकेट बेचने पर 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। और आप महीने में 8-10 पैकेट इधर से उधर कर दीजिए, फिर देखिए पैसे पैसे। जी वो तो ठीक है, लेकिन माल कहाँ और कैसे पहुँचाना है? आप क्या चाहती हैं कि मैं इसकी डिलीवरी खुद दूँ? अरे आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, इतने डिलीवरी पर्सन है, आप उनको भेजिए ना।
फौज? क्या फौज? आप क्या चाहते हैं कि हम पुलिस वाले खुद ही? अरे मैं आपकी नहीं, आपके कैदियों की बात कर रही हूँ। आप मेरे बताए हुए एड्रेस पे एक एक लड़की के हाथ माल भेज दीजिए। जी वो तो ठीक है, मगर इसमें कोई खतरा? चिंता की कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी पहुँच ऊपर तक है, बस इन लड़कियों को भेज दीजिए, फिर देखिए कमाल ही कमाल। माँ के साथ साथ एक लड़की को 10 से 20 हजार तक मिलेगा, वो भी एक रहेगा। और हाँ, ये लड़की क्लाइंट की सेवा में 3 से 4 दिन तक होनी चाहिए, समझी ना? जी मुझे मंजूर है। तो फिर हमारे नए धंधे की शुरुआत के लिए मुबारक हो। मुबारक हो। और हाँ ध्यान रहे, जेल के बाहर ये बात किसी को भी पता ना चले, क्योंकि दीवारों को भी कान होते हैं, समझी? आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, मैंने सुना है आपके जेल की चेकिंग होने वाली है। इंस्पेक्शन है तो होने दो ना, जब होगा तो देखा जाएगा। वो मेरी जेल है मैडम, मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सका। फिर भी मैं ये कहूँगी, जरा संभल के काम करना। आप टेंशन मत लीजिए, इतने साल हो गए आज तक कुछ पता चला? जब पहले पता नहीं चला तो आप कैसे पता चलेगा? जब आप जेल में थी तब किसी को पता चला था? नहीं ना, तो आप अपनी पार्टी की तैयारी कीजिए और मैं अपनी तैयारी करती। अच्छा मैडम मुझे इजाजत दीजिए, हाँ बहुत सारे काम है, चलती हूँ। ओके बाय बाय। तुम यहाँ रुको, मैं मैडम से परमिशन लेके आता हूँ। मैडम, मैडम। हाँ हाँ आ रही हूँ। नमस्ते। ना शोर मचाता है। हाँ आज छुट्टी मना, इसको लेके जा घूम फिर, और हाँ शाम को टाइम से आ जाना, इसे दूसरी पार्टी के साथ जाना है, लेट मत होना, ठीक है? जा। जी अच्छा। हाँ जी, हाँ समझ गई बाबा जी। वो आपका काम हो गया है, मैं आ जाऊँगा टाइम पर। नमस्ते मैडम। ओके थैंक यू मैडम। बाय बाय मैडम। ज्यादा लेट मत होना जी, ऐसा ना हो कि मैं इंतजार करती रहूंगा, पार्टी वहाँ इंतजार करे। नहीं नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, आप घबराइए मत। थैंक यू मैडम। ओके चलो बाय बाय, चले आ रहा हूँ, शाम को लौटा दूंगा। जानती नहीं क्या तू किस जेल में आई है? धक्का नहीं मानने का क्या? किसकी जेल? बहुत सी देखी है ऐसी जेल, कौन सी जेल में हीरे लगे ले हैं? हीरे तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जड़ा जाता है यहाँ, वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा। ये लड़की, नाम है तेरा? नाम की छोड़, ये बोल किधर जाने का है? क्या कि मैं बहुत थक गई हूँ ना, बहुत नींद आ रही है। ऐसा थप्पड़ मारूंगी चुड़ैल तुझे, ये होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे, जितना कहा जाए सिर्फ उतना कर, वरना तेरी खाल खिंचवा दूंगी। ए फालतू बात नहीं करने का, तेरे को मालूम नहीं क्या मैं बड़ी डेंजर चीज हूँ, पंगा नहीं। ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा कि डेंजरस कौन है। शायद तू जानती नहीं कि मल्लिका के नाम से यहाँ का जर्रा जर्रा कांपता है। तो तू चीज ही क्या है मेरे सामने, एक छोटी मोटी टेररिस्ट? वह तो तुझे मैं देख ही लूंगी। देख ले जेलर, अभी देख ले, शायद तुझे मालूम नहीं मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम है, मैंने कितने लोगों को एक साथ ढूंढा, कहीं तेरा नंबर जेलर जल्दी ना आ जाए। तू अपनी खैर मना। खैर तो तू मनाएगी अपना, जब मैं तुझे अपना असली रंग दिखाऊंगी। बहुत अकड़ती है, बहुत देखी तेरे जैसी टेररिस्ट, और अपुन ने भी बहुत देखी है तेरे जैसी छोटी मोटी जेलर को। क्या आधी जिंदगी अपुन की जेल में गुजरी है? बहुत चर्बी चढ़ गई है कुतिया। एक गाली नहीं देना जेलर, वरना वरना क्या करेगी? बोल क्या करेगी, मारेगी मुझे? मौसी इसको अंदर ले जाओ, कमरे में बंद कर दो, बहुत ठिकाने आ जाएंगे इसके। बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतार दे। चल अंदर चल। रानी साहिब अपने करती है हाँ? अभी मजा चखाती हूँ तुझे। अभी बताती हूँ तुझे, बड़ी आई। मांगेगी माफी? तैयार हूँ। मांगेगी माफी? मांगेगी? हाँ मैडम से माफी मांगेगी। तुम्हारी मैडम से माफी? अच्छा चल तू चल चल। मुझे माफ कर दो रानी साहिबा,
आइंदे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तो तुझे पहले भी समझाया था कि मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर तू पहले ही मान जाती तो आज ये नौबत ना आती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। नहीं नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगी। अच्छा तो ठीक है, चल जा। क्यों मौसी, आ गई इसके कल ठिकाने पे? जी रानी साहिबा। साली बहुत अकड़ दी हाँ, धमकी दे रही थी मुझे। क्यों री, किधर गई तेरी अकड़? टेररिस्ट बनती थी, मुझे धमका रही थी? अभी तो तूने मेरी थर्ड डिग्री का कमाल नहीं देखा है, पर वो देख लेना तो तेरे होश हो जाए। ले जा मौसी, वो पागल औरत है ना, उसके साथ ले जाकर कमरे में बंद कर दे। इसे भी तो पता चले कि हमारे जेल के तौर तरीके क्या हैं।